डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन की तुमसे बहुत ही परिचित विधि पैसिव वॉयस बताएंगे। पैसिव वॉयस आप लोग हाई स्कूल स्टेज पर भी पढ़ चुके होंगे। देखिए, पैसिव वॉयस में ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक होता है। यदि वाक्य प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में रहता हो तो निश्चित रूप से यह कंटीन्यूअस टेंस में जाता है। जैसे रवि रीड्स हिज बुक डेली, पहले हम ऑब्जेक्ट निकालेंगे। यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट न रहता हो तो उस वाक्य का पैसिव नहीं बनता है। और ऑब्जेक्ट ज्ञात होता है वर्ब में व्हाट या हुम का प्रश्न करने पर। भाई व्हाट रीड्स क्या पढ़ता है, आ गया उत्तर हिज बुक। इसलिए हम पहले लिखेंगे हिज बुक। अगर इसमें यस या ईएस बढ़ा हुआ है या क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है या डू या डज लगा हुआ है तो वह इज एम आर में परिवर्तित होता है। हिज बुक इज सिंगुलर वर्ब में करता है इज, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हिज बुक इज रेड डेली बाई रवि, बाई रवि। यह हो गया पैसिव वॉयस। हिज बुक इज रेड डेली बाई रवि या हिज बुक इज रेड बाई रवि डेली, तभी सही। आगे देखिए, अगर यह वाक्य कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव रहता हो तो पैसिव वॉयस भी निगेटिव में रहेगा। जैसे आई डू नॉट टीच हिम इंग्लिश अब यहां दोनों से बन जाएगा। आई डू नॉट टीच हिम इंग्लिश व्हाट टीच इंग्लिश, हुम टीच हिम, माने क्या पढ़ाता है इंग्लिश, किसको पढ़ाता है हिम उसको। जब दो ऑब्जेक्ट रहे तो दोनों से पैसिव बन जाता है, लेकिन सतर्कता होनी चाहिए कि हम पहले से करें। कभी कभी दूसरा शब्द जो होता है यह कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, तो हम ही से यहां बना रहे हैं, यहां पर इंग्लिश भी बन जाएगा, नहीं तो हिम का सब्जेक्ट ही होता है। ही डू डज इज एम आर में जाता है, ही इज नॉट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच टाट टाट, ही इज नॉट टाट इंग्लिश और बाय मी He is not taught English by I care. He is not taught English by me. वह मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाती है। तीसरा वाक्य देखिए, डज द टीचर नॉट मेक यू मॉनिटर। अब ध्यान देने योग्य बात है
भाई तुम ही मॉनिटर हो, तुम ही मॉनिटर हो, इसलिए भाई क्या बनाते हैं मॉनिटर, किसको बनाते हैं तुम्हें, तो हो जाएगा यहां पर डू डज इज एम आर में जाता है आर यू नॉट मेड, आर यू नॉट मेड मॉनिटर, आर यू नॉट मेड मॉनिटर बाय द टीचर, बाय द आर यू नॉट मेड मॉनिटर और बाय द टीचर। अब देखिए अगर हम यहां मॉनिटर से बनाने लगे, लिख दे इज मॉनिटर नॉट मेड और यू बाय द टीचर, तब वाक्य हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम ही मॉनिटर हो, यहां पर मॉनिटर शब्द ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए हमेशा पैसिव यू से ही बन सकता है। आगे देखिए यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहता हो, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहता तो आप जानते हो उसको पहले निकाल दिया जाता है, अर्थात प्रश्नवाचक को ज्यों का त्यों उसी तरह रहने देती है। इसी के साथ हम आपको अब कल बताएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।